नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारी खास पेशकश लॉकडाउन में राहत शर्तें लागू, इसमें आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे के दौरान हम चर्चा करेंगे कि लॉकडाउन में आज से जो राहत दी गई है, जो छूट दी गई है, क्या ये छूट इकोनॉमी में जान भरने के लिए काफ़ी है, और साथ ही इस छूट के दौरान किस तरह से आपको एहतियात बरतने हैं ताकि जो आपको छूट मिली है वो वापस ना ली जाए, इसी पर हम बात करेंगे। और ग्रामीण इलाकों सहित कई ज़रूरी इंडस्ट्री और कारोबारी गतिविधियां आज से शुरू हो गई हैं। सरकार के फैसले से करीब करीब 50% इकोनॉमी अनलॉक हो गई है। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से इकोनॉमी को संजीवनी मिलेगी और जान के साथ जहान भी सुरक्षित होगा। लेकिन क्या सच में इस कदम से इकोनॉमी को कोई सहारा मिलेगा या अभी बहुत कुछ बाकी है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते कहर को रोकने के लिए देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा खींची गई। देश भर में बाजार बंद हैं, हर किसी को घर में रहने के निर्देश हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, उद्योग धंधे भी रुके हुए हैं। लॉकडाउन का असर भी दिख रहा है। बीमारी की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी है, लेकिन लॉकडाउन के फैसले से इकोनॉमी की चाल थम गई है। इसलिए ये जरूरी हो गया है कि धीमे धीमे ही सही, लेकिन बीमारी से लड़ाई और अर्थव्यवस्था साथ साथ चले। इसलिए 20 अप्रैल से केंद्र सरकार ने कुछ इलाकों में कामकाज की छूट दे दी है। आइए पहले जानते हैं कहां और कैसी छूट मिली है। ग्रामीण इलाकों में फसल की बुआई कटाई और बिक्री की छूट, पशुपालन से जुड़े कामकाज की इजाजत, प्रवासी मजदूरों को गांव में ही रोजगार दिए जाने के उपाय, साथ ही मनरेगा के तहत सड़क निर्माण और कंस्ट्रक्शन की छूट। ग्रामीण इलाकों में चलने वाले छोटे उद्योग धंधों को भी कुछ शर्तों के साथ काम की इजाजत इनमें शामिल है। सरकार का मानना है कि इससे देश में अनाज की कमी नहीं आएगी, साथ ही काम मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आ जाएगी। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाते हुए सरकार ने कंस्ट्रक्शन की भी इजाजत दे दी है। रोजगार मुहैया कराने की नजर से देखें तो कृषि के बाद ये सेक्टर सबसे ज्यादा नौकरी देता है। सरकार ने साफ किया है कि बिल्डिंग निर्माण के अलावा सड़कें भी बनेंगी, साथ ही इंफ्रा प्रोजेक्ट्स भी चलते रहेंगे। इन जगहों पर ईंट भट्टों को भी चलाने की इजाजत मिल गई है। जीडीपी के लिहाज से देखें तो इस सेक्टर की भागीदारी 27% से भी रियायत के बाद अगर आधा काम भी शुरू होता है तो इकोनॉमी के लिए बड़ी राहत का कदम साबित होगा। लॉकडाउन 2 में इकोनॉमी की गाड़ी डिरेल न हो, इसके लिए कई दूसरे सेक्टर्स को भी छूट और रियायतें दी गई हैं। जो इलाके कोरोना हॉटस्पॉट नहीं है वहाँ सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए कई सर्विसेज और एक्टिविटीज में छूट दी गई है। कई सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों को भी खोल दिया गया है। आईटी सेवाओं वाली कंपनियों को 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की इजाजत दी गई है। हालांकि ऑफिस में सभी को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। इकोनॉमी के पहिए को चलाए रखने के लिए ये रियायत बेहद जरूरी है। लॉकडाउन में घरेलू सर्विस से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। इनमें इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मैकेनिक जैसे लोग शामिल हैं। इकोनॉमी के लिहाज से बात करें तो अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा करीब 55% का होता है। अनुमान है कि इन कदमों से करीब 40 करोड़ लोगों की जिंदगी पटरी पर लौटेगी। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकारों को छूट है कि वो अपनी अपनी शर्तों के साथ इन नियमों का पालन कराए। रिपोर्ट जी मीडिया। तो आपने देखी ये रिपोर्ट कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पर आज से छूट दी गई है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जो छूट मिली है इस छूट के बाद इकोनॉमी को थोड़ी बहुत संजीवनी मिलेगी। और बड़ा सवाल ये भी है कि जो चिंता यहाँ पर जाहिर की जा रही है खेती किसानी को लेकर, बाकी इंडस्ट्रीज को लेकर, तो आज से जो थोड़ी बहुत राहत मिली है इससे ये चिंता कितनी दूर हुई है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं प्रवीण खंडेलवाल साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं कैट के। हमारे साथ विजय सरदाना है, एग्रीकल्चर मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर संदीप शर्मा है, प्रेसिडेंट हैं IMA दिल्ली के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में।
मेरा सबसे पहला सवाल विजय सरदाना जी आपसे होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा छूट मिली है आज से अगर हम ओवरऑल देखें तो, क्योंकि एग्री इकोनॉमी का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में और 265 अरब डॉलर के आसपास एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल जीडीपी में। जो आज से छूट मिली है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या खेती किसानी को पटरी पर लाने के लिए ये छूट अभी पर्याप्त है, या आपको लगता है कि अभी कुछ और कसर बाकी है, और अगर हाँ तो वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पर सरकार को और फोकस करना चाहिए? रतनजय जी, जिस दिन लॉकडाउन घोषित हुआ था उस दिन जिन एसेंशियल सर्विसेज को लॉकडाउन से बाहर रखा गया था उसमें खेती था, उसमें फूड सप्लाईज था, फूड मैन्युफैक्चरिंग था। आप इस बात को मानिए कि ये इसलिए नहीं कि ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी है हिंदुस्तान में, इसलिए कि एग्रीकल्चर और फूड इंसानों की फूड सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। अगर खाना नहीं मिलेगा तो आप सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन कैसे सक्सेसफुल कर पाएंगे? इसीलिए सरकार इस बात को जानती है कि अगर हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है, क्राउडिंग नहीं करना है, लॉकडाउन को सक्सेस करना है, तो फूड सिक्योरिटी ज़रूरी है। और ये भी हमें पता है कि जहाँ पे फूड पैदा होता है और जहाँ पे फूड खाया जाता है, फूड हैज़ टू ट्रैवल, फूड को खेत से कंज्यूमर के घर तक आना है। इसलिए आप फूड सिस्टम को, फूड सप्लाई चेन को रोक नहीं सकते हैं। बाकी चीज़ें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप इंसान को भूखा रख के लॉकडाउन में नहीं रख सकते हैं। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। इसको इकोनॉमिक दृष्टि से ना देख के इसको टेक्निकल दृष्टि से देखना चाहिए। नहीं, सरदाना जी माफी चाहूंगा, ये बात ठीक है, जो बात आप कह रहे हैं उसमें किसी को एतराज नहीं है और सहमति नहीं है। मैं सर आपसे जानना चाहता हूं कि जितनी छूट मिली है अभी, क्योंकि हो क्या रहा था बीच में कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर फल सब्जियों के दाम कम हो जा रहे थे, क्योंकि किसान उसे लेकर बाहर नहीं जा पा रहा था, उन्हें सस्ते भाव पर बेचना पड़ रहा था, और दूसरी तरफ शहरों में उसी फल सब्जी को काफी महंगे दाम पर खरीदना पड़ रहा था। ये चेन टूट गया था प्रॉपर सप्लाई का। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या अभी प्रॉपर सप्लाई चेन शुरू हो जाएगी या अभी भी कुछ दिक्कतें बाकी हैं? निश्चित रूप से दिक्कतें बाकी हैं। आपकी कंसर्न जायज है, हर कंज्यूमर की कंसर्न जायज है, सरकार भी चिंतित है इस बात को लेके। क्योंकि हुआ क्या है कि जब लॉकडाउन हुआ था, बहुत सारा वर्कफोर्स, आपको पता है कि एग्रीकल्चर ज्यादातर लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी होती है, लेबर चली गई है घर। अब कटाई में, फलों की छटाई में, पैकिंग में, लोडिंग में, अनलोडिंग में लेबर नहीं मिल रही है, इसलिए दिक्कत है। ट्रांसपोर्ट में दिक्कत आई क्योंकि पुलिस ने बैरिकेड खड़े कर दिए, इवन फूड ट्रक्स को जो कि एग्जेम्प्टेड थे उनको भी रोका गया उनकी अपनी अज्ञानता के वश। कहने का मतलब ये है कि सरकार की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर लेबर घर चली गई है, गाड़ियां नहीं मिल रही हैं, ड्राइवर नहीं आ रहे हैं, तो हम किसको दोष दें? और यही कारण है कि जो सेकंड लॉकडाउन है इसमें एम्फेसाइज किया गया है कि आप फूड ऑपरेशंस को चला सकते हैं, लेकिन अब कंज्यूमर्स या इंडस्ट्री को या किसानों को ये चिंता सता रही है कि लेबर वापस नहीं आ रही है। अब लेबर वापस कैसे आए इस पे सोचना होगा, क्योंकि लेबर भी राइट है अपनी जगह पे, उसको भी लगता है, उसकी सेहत की चिंता है उसको। तो हमें ये कॉन्फिडेंस देना होगा कि आप जब काम करेंगे तो हम आपकी सेहत और आपके खान पान का ध्यान रखेंगे, और शायद धीरे धीरे लेबर वापस आए। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में पुलिस को सोचना पड़ेगा कि खाने की चीजें, एसेंशियल सर्विसेज को ना रोकें, इससे प्रॉब्लम और खड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं, और इसीलिए आज के शो का हमारा मकसद ये है कि हम ये बता पाएं अपने दर्शकों को भी और पॉलिसी मेकर को भी कि आज से जो छूट मिली है वो कितनी पर्याप्त है, इसमें क्या कुछ और मॉडिफिकेशन की जरूरत है। हम अलग अलग एरियाज की बात कर रहे हैं। अब प्रवीण खंडेलवाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज से जो राहत मिली है, क्या इसको लेकर आप कॉन्फिडेंट हैं कि हम इकोनॉमी को पटरी पर लाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और ये एक सही डायरेक्शन में उठाया गया सही कदम है, और अपने लेवल पर जो इंडस्ट्री है, जो आप जिसकी आप नुमाइंदगी भी करते हैं, वो लोग भी अपने लेवल से धीरे धीरे तैयार हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए और ऑपरेशन शुरू करने के लिए? मृत्युंजय जी, सबसे पहले तो मैं इस बात को कहूंगा
कि सरकार ने ये जो कुछ छूटें दी है ये निश्चित रूप से सरकार का एक सराहनीय कदम है, क्योंकि धीरे धीरे करके जब अलग अलग वर्गों को छूट मिलेगी तब कहीं जाकर के एक डेढ़ महीने में हम लॉकडाउन से निजात पा सकेंगे, क्योंकि एक साथ देश का लॉकडाउन को खोलना वो मुझे लगता है मुनासिब बिल्कुल भी नहीं है। किंतु यहाँ पर ये बात हमें जरूर सोचनी होगी कि जो जिन उद्योगों को या जिन व्यापारों को चलने की इजाज़त दी है उसमें आज लेबर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लगभग 80% लेबर वो अपने घरों अपने गांव में जा चुकी है और उस लेबर को वापस लाने का कोई साधन नहीं है। सरकार ने भी बार बार ये कहा है कि जो जहां है वो वहीं रहेगा। अच्छा, हम भी समझते हैं कि कोरोना को रोकने के लिए ये डिस्टेंसिंग बहुत आवश्यक है, तो लेबर जो 20% लेबर अभी हमारे पास में है, चाहे वो उद्योग में हो या व्यापार में हो, उस लेबर की रिटेंशन अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरा कि 20% लेबर से हम कितना प्रोडक्शन का आउटपुट निकाल पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तीसरा यह है कि जो कुछ उद्योग सरकार ने खोले हैं, और मैं सरकार की व्यवस्था को भी समझता हूँ, लेकिन आज मान लीजिए कोई भी उद्योग यदि खुलता है और किसी मशीनरी का कोई पार्ट चाहिए तो वो पार्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्ट की दुकानें लॉकडाउन के अंदर बंद है। तो ये एक अजीब से प्रकार की सिचुएशन है। और आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जब कोई उद्योग या व्यापार लगभग एक माह बंद रहेगा तो उसमें जो मशीनें हैं उन मशीनों को दुरुस्त करने के लिए और उनको चलाने के लिए एक थोड़े से समय की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हम लोग हर साल में एक या दो बार अपने प्लांट की मेंटेनेंस करते हैं, अपने उद्योग की मेंटेनेंस करते हैं, अपने व्यापार की साफ सफाई करते हैं, तो वैसा भी हमको इस बार ऐसा करना पड़ेगा। उसके लिए एक कम से कम हफ्ते से 10 दिन का समय हमको चाहिए। तो कुल मिलाकर के सरकार का कदम तो अच्छा है और धीरे धीरे करके जो राहत देने का निर्णय है मैं उस निर्णय से पूरी तरीके से सहमत हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को ये भी सोचना होगा कि जो लेबर चली गई है वो लेबर कैसे मिले, जो उद्योग व्यापार शुरू करना है, आज हमारे पास वित्तीय साधन की बहुत कमी है, क्योंकि एक महीने लगभग सबने घरों पर बैठ करके खाना खाया है, तो क्या सरकार हमको बैंकों से कोई कोरोना कैश लोन या इस प्रकार का लोन दिलाए जिसमें ब्याज ना हो या ब्याज हो तो बहुत कम हो, और जिसकी वसूली 60 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जनवरी 2021 से हो। तो ऐसे कुछ कदमों पर विचार करना पड़ेगा अगर सरकार ये कहीं ना कहीं सहायता व्यापार और लघु उद्योग की करती है। तो मेरा अपना मानना है कि आने वाले कुछ समय में, थोड़ा समय जरूर लगेगा, क्योंकि अभी तो मार्केटों को, दुकानों को, फैक्ट्री के एरियाज को अभी हमें सैनिटाइज कराना बहुत जरूरी है। पूरे मार्केट सैनिटाइज होंगी, पूरे सब दुकानें, फैक्ट्रियां, सबको सैनिटाइज कराना पड़ेगा, क्योंकि एक महीने जो बंद रहा है उसमें धूल भी होगी, उसमें अनेक प्रकार के कीटाणु भी आ गए होंगे, कोरोना के अलावा और अन्य प्रकार के वायरस है वो भी हो गए होंगे। हाँ। तो उन सबको साफ करने में एक लंबा समय लगेगा। आपके पास आऊंगा सर, आपने अपनी बात रख ली है, और भी पैनलिस्ट है उनके पास भी हमें जाना है। आपने जो चिंता जाहिर की है ठीक है, कि आप कह रहे हैं कि लेबर फोर्स को लेकर के अभी भी दिक्कत है, क्योंकि जो माइग्रेंट लेबर हैं जो अपने घरों को जा चुके हैं उनकी वापसी कैसे होगी ये भी एक कंसर्न है, और जब तक फुलफ्लेज वापसी नहीं होगी तब तक पूरा कामकाज शुरू करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये भी बात ठीक है कि एक साथ ये पूरी बातें या एक साथ ये सारे फैसले नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अभी हम लॉकडाउन में हैं और एक फेज्ड मैनर में धीरे धीरे छूट दी जा रही है। लेकिन सरदाना जी, मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि लॉकडाउन वन में कुछ दिक्कतें सामने आई थी, वो ये थी कि कमोडिटी की पर्याप्त सप्लाई होने के बावजूद, फल सब्जियों की पर्याप्त सप्लाई होने के बावजूद जो दाम है बढ़ गए थे, कुछ बिचौलियों ने इसका फायदा उठाया था, दाम बढ़ने लगे थे। क्या अब आज से जो छूट मिली है एग्रीकल्चर एक्टिविटी को, आपको लगता है कि ऐसे में महंगाई से भी अब लोगों को निजात मिलेगी, प्रॉपर सप्लाई हो पाएगी फलों की, सब्जियों की, अनाज की? निश्चित रूप से, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपकी जब ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव होगी, जब लोगों को सप्लाई के पे भरोसा हो जाएगा,
तब हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि जो भी बाजार में कमियां हैं वो सप्लाई से पूरी हो जाएंगी, और जब हम सप्लाई पूरी करेंगे तो जो होल्डर है पेरिशेबल को वो कितने दिन होल्ड करेगा, क्योंकि सप्लाई आनी शुरू हो गई है। जो नॉन पेरिशेबल है जैसे फूड ग्रेन्स हैं, ऑयल्स हैं, उनकी कोई कमी नहीं है, वो फैक्ट्रियां भी चल रही हैं और आपके गोडाउन भी फुल हैं। इस समय हकीकत ये है, अगर आप देखें कि लॉकडाउन से पहले टमाटर 60-70 रुपए था, आज टमाटर 20-25-30 रुपए किलो मिल रहा है। तो दोनों तरफ की बातें हैं कि जहां पे सप्लाई है वहां से बाहर नहीं जा रही है, व्यापारी होर्डिंग के लिए दुकानें और गोडाउन नहीं खोल पा रहे हैं और इसलिए जो माल आ रहा है वो कंज्यूम हो रहा है, और जहां नहीं पहुंच रहा है निश्चित रूप से वहां पे समस्या है। एक खंडेलवाल साहब ने बात करी, मैं कल एक इंडस्ट्री एसोसिएशन कह रहा था, एक छोटा सा सुझाव देना चाहूंगा। सर आपने बिल्कुल सही बात कहा कि स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे अगर हम फैक्ट्री चलाएंगे। मेरा एक निवेदन है, आप जो लोकल इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, हर इंडस्ट्री एसोसिएशन अपने पास कुछ ना कुछ स्पेयर्स रखती है और वो रिक्वायरमेंट से जनरली थोड़े से ज्यादा होते हैं, किसी के पास कम होगा। आप इंडस्ट्री मेंबर्स को कहिए कि अपने जितने सरप्लस स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी सारी लिस्ट एक जगह अपनी एक वेबसाइट पे पूल कर ले या एक सोशल मीडिया पे पूल कर ले, जिसको जो स्पेयर्स चाहिए वो दूसरे से लोन पे ले ले और जब लॉकडाउन खत्म हो उसको वापस कर दे। कम से कम काम नहीं रुकेगा और जिसके पास सरप्लस स्पेयर्स हैं वो भी यूज हो जाएंगे, तो आप एक दूसरे के कोलैबोरेशन से एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल, एक दूसरे की मदद तो करनी चाहिए, क्योंकि अब सब हम सब जानते हैं कि हालात अभी क्या हैं और इन हालातों के बीच अगर कामकाज शुरू करना है तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट तो आपस में भी करना होगा, एक दूसरे को सहयोग करना होगा। ठीक है, लेकिन डॉक्टर संदीप शर्मा जी, अब मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं जो हमारे दर्शकों को जानना भी चाहिए। आज से ये ठीक है कि आज से कुछ इलाकों में छूट दी गई है और कई ऐसी चीजें हैं जिसमें राहत दी गई है, लेकिन पीएम ने ये बात भी कही थी और निश्चित तौर पर हम सबको पालन करना चाहिए कि आपको भले ही छूट मिली हो लेकिन आप अभी भी ये ना समझें कि आपको छूट मिल गई तो आप कोरोना से मुक्त हो गए। आपको प्रॉपर एहतियात बरतने हैं, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है और आपको बहुत ही अलर्ट तरीके से कामकाज करना है। तो जरा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो लोग इस छूट का फायदा ले रहे हैं या जिन जिनको ये छूट मिली है, जिन इलाकों में ये छूट मिली है, उन लोगों को अभी क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि उनसे ऐसी कोई चूक ना हो जाए, ऐसी कोई गलती ना हो जाए ताकि उनसे दोबारा ये छूट वापस लेनी पड़े। बहुत बहुत अच्छी सवाल है आपका ये। मेरा एक तो ये कि ये जो छूट दी गई है इससे दो फायदे हैं, एक तो हमारा फाइनेंशियल हेल्थ भी सुधरेगा, दूसरा हमारा मेडिकल हेल्थ भी सुधरेगा। जो हम लोगों ने अपनी परेशानियां झेली हैं कोविड के टाइम पर, हमने ये देखा कि भाई इसको पकड़ना, इसमें जो है वायरस को ट्रैक करना और ये सब चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं। हमें अब अपनी ज़िंदगी आने वाले 6 महीने में इसके हिसाब से बनानी पड़ेगी, हमको अपने आप को उस ढंग से ट्रेन करना पड़ेगा कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग हमें मस्ट रखनी पड़ेगी, हमें एक दूसरे का एक आदर करना पड़ेगा कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग से ही हम बच सकते हैं। हमें मास्क, जैसे बोला गया है कि बाहर निकलें तो आपको मास्क पहनना ही पहनना है, ये एक अनिवार्य होगा। ये मेरे लिए और मेरे साथ में जितने भी पॉपुलेशन है सबके लिए ही महत्वपूर्ण रहेगा, सबके लिए ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसलिए हमारे लिए ये जो पीरियड है जिस टाइम पर खुला है, इस समय मेरा ख्याल है एक हम लोगों को एक एक्सपीरियंस ग्रेन करने के लिए और अपने आप को सुधारने के लिए, ताकि हम उस चीज में ढल जाएं, हम उस चीज को अपना लें कि हमें यह समझ में आ जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग हमारी अब मजबूरी है, हमें वो अपनी सेहत को कामयाब रखने के लिए जरूरत है। हमारे को मास्क इसलिए पहनना है कि ताकि हम अपने आप को बचा सकें, हम जो है दूसरे को बचा सकें, सोसाइटी को बचा सकें, ये हमारे लिए अनिवार्य है। हमको इसको ये मानना पड़ेगा कि हमको अपने हाथ को बार बार धोने हैं, सैनिटाइज करना है जगहों को, चीज़ों को जहां पर आप काम कर रहे हैं, तो उससे हमारे को अपने आप को सब ट्रेन करना पड़ेगा, मेंटली हमें अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा अगले 5-6 महीने के लिए, ताकि अगर हम इस चीज़ का एकदम पूरा निवारण चाहते हैं, क्योंकि ये कोविड इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, लेकिन ये है कि ये जो छूट मिली है इसका हम लोगों को यही एक फ़ायदा होना चाहिए कि हम लोग जो निकल रहे हैं वो लोग अपने आप को ट्रेन कर लें, ताकि जो दूसरा नेक्स्ट लॉट निकले, जो दूसरे लोग दोबारा निकलें, वो भी अपने आप को ट्रेन करके निकलें, ताकि पूरी जो है सोसाइटी में एक मैसेज चला जाए कि हाँ साहब इसके बिना काम नहीं चलेगा।
खंडेलवाल जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और आपसे गुजारिश है कि थोड़ा जवाब अगर छोटा रखेंगे क्योंकि वक्त की कमी है। एक सवाल सर मेरा आपसे और, क्योंकि अब देखिए इकोनॉमी को लेकर कंसर्न है, ये चिंता जाहिर की जा चुकी है, सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया ग्लोबली ये चिंता है कि दुनिया की जो आर्थिक हालत है वो ख़राब होगी इसकी वजह से, कोरोना की वजह से। आपको क्या लगता है, आप चूंकि 3 मई तक का एक्सटेंशन है, इसके बाद आप लोग क्या चाहते हैं? चूंकि आपको जो हालात हैं उसकी गंभीरता का अंदाजा है, उसकी गंभीरता को देखते हुए आपको आपके हिसाब से और क्या छूट आगे सरकार को उसके ऊपर गौर करना चाहिए जिससे कि इकोनॉमी को थोड़ी सी और यहाँ पर राहत मिले, थोड़ा और बूस्ट मिले? खंडेलवाल जी, हेलो, आप सुन पा रहे हैं सर? मुझसे पूछ रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। जी जी खंडेलवाल जी, आपसे पूछ रहा हूं कि आपके हिसाब से अगली बार जब आप दूसरी किस्त की छूट का ऐलान हो तो आपके हिसाब से क्या क्या प्रमुख ऐलान सरकार की तरफ से होने चाहिए ताकि इंडस्ट्री को थोड़ी और राहत मिल जाए, इकोनॉमी को थोड़ा और बूस्ट मिल जाए? देखिए मृत्युंजय जी, ये बात तो अपने को स्वीकार करनी पड़ेगी कि अब भारत को एक नए तरीके से व्यापार करना पड़ेगा, क्योंकि जो चुनौतियां हमने लॉकडाउन के अंदर देखी है और वो चुनौतियां अभी आने वाले समय में जारी रहेंगी, तो एक नए व्यापारिक परिवेश में हमको उद्योग और व्यापार को चलाना होगा। और दूसरी तरफ मेरा अपना मानना है कि सरकार को भी एक नया संशोधित बजट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रस्ताव बजट में रखे थे अब उनके कोई मायने नहीं रह गए हैं। लेकिन जहां तक व्यापार और उद्योग का सवाल है, मेरा अपना मानना है कि सरकार को एक ऐसा वायबल आर्थिक पैकेज देना चाहिए जिसमें हमारे ऊपर जो भार डाला गया है, हमारे वर्कर्स की सैलरी देने का, वो भार न्यूनतम भार हमारे ऊपर हो। इसके अलावा हमको आसानी से पैसा बैंकों से मिल जाए जिसमें ब्याज दर कम हो। उसके अलावा जो बैंकों की जो ईएमआई है वो एक लंबे समय, कम से कम आने वाले 6 महीने तक, यानी कि लगभग 30 सितंबर तक उनको टाला जाना चाहिए और ईएमआई का नया स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए। इसी प्रकार से हमने कुछ और सुझाव भी सरकार को दिए हैं कि जो हमारी टैक्स की छूटें हैं वो हमको दी जाए, तो हमें एक नया वातावरण मिलेगा जिसमें हम व्यापार और उद्योग को दोबारा खड़ा कर सकेंगे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि कुछ आर्थिक राहत सरकार को और देनी चाहिए ताकि इंडस्ट्री की सेहत थोड़ी और सुधरे और जिसका फायदा इकोनॉमी को मिलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, डॉक्टर संदीप जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि ये बहुत जरूरी है कि जहां पर छूट दी गई है वहां पर कोरोना से बचने के जो भी उपाय हैं उसको प्रॉपर फॉलो किए जाएं, जैसे मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना। लेकिन सर मैं एक बेसिक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि किसान जब अपनी खेत में काम करने जाएंगे, बुआई करने जाएंगे, कटाई करने जाएंगे, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा बार बार हाथ धोना या फिर मास्क लगाकर लगातार खेतों में बुआई का काम करना या कटाई का काम करना। क्या इसका कोई वैकल्पिक इंतजाम हो सकता है क्या, ताकि किसान उसको जो किसानों के लिए थोड़ा सा आसान हो, कुछ आप उपाय सुझाना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, हाथ धोना किसान के लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, है ना। ये सबसे अच्छा समाधान है कि आप बार बार साबुन से हाथ धोएं। लेकिन किसान के केस में जितना हम जानते हैं कि जैसे कटाई होती है तो उस समय उनके यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर है, जो कभी भी अगर आप देखें तो 3-3.5 फुट का जो 1 मीटर का दायरा है उसकी सोशल डिस्टेंसिंग और उनके साथ में वो लोग अपनाते हैं। हाँ, वो अपने मुंह पे गमछा बांध लें, लेकिन जिस टाइम पर काम कर रहे हैं उस समय उनको इतना अनिवार्य नहीं है। लेकिन हाँ, जब किसी से मिल रहे हैं, 4 से ज़्यादा लोग मिल रहे हैं, जैसे इस छूट में भी बोला गया कि 4 से ज़्यादा आदमी नहीं मिले या मिले तो वो डिस्टेंस रखें, तो वहाँ पर उनको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अपने ऊपर मुँह पे गमछा बांध लें,
है ना, जो कोई कपड़ा हो वो बांध लें, ताकि उससे जो है आगे सामने जिससे बात कर रहे हैं उस पर कोई असर नहीं है। मास्क नहीं पहन सकते, मास्क हो सकता है ना मिले, लेकिन जो उनके लिए अच्छा समाधान है वो ये है। मोदी जी ने भी कहा कि साहब ऐसा है कि गमछा बांध लीजिए, गमछा हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। उसके बाद जिस समय आप काम पे जा रहे हैं या अपने घर जा रहे हैं, घर लौट रहे हैं, उस समय आप अच्छे से अपने आप को ढंग से साफ कर लें, हाथ धो लें, ताकि आप घर में अपने कोई कीटाणु ना लेकर जाएं, है ना। यही चीजें हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना ही पड़ेगा, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इनके अलावा कोई और चीजें हैं नहीं, जब तक कि आपका कोई वैक्सीन नहीं तैयार हो जाए या कुछ और नहीं तैयार हो जाए, इससे बेहतर और कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। हाँ चलिए, बिल्कुल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं, हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि आपको छूट के दौरान भी किस तरह के एहतियात बरतने हैं, और जो आज से छूटें मिली हैं शर्तों के साथ, उसका कितना बड़ा फायदा इकोनॉमी को हो सकता है, कंज्यूमर को हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।